मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून कहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि लेट हो गया है आज उठने में, थोड़ा लेट सोए थे हम लोग, बातें कर रहे थे एंड ऑल, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी बज रहे हैं 3 और हम लोगों का प्लान था, मेरा, उमंग और मर्सी का, अभी आज कहीं जाने का। और बेसिकली हम लोग उमंग के घर जा रहे हैं न्यू ईयर पे। उसकी मम्मी ने कहा था कि वो एक बार आ जाए घर पे, तो हम लोगों ने सोचा, मैं और मर्सी ने, कि हम भी चलते हैं साथ में, आंटी और उसके फैमिली वालों से मिल लेंगे। तो अभी हम लोग उमंग के घर जा रहे हैं। वैसे तो 1-1:30 बजे के करीब निकलना था, लेकिन उमंग को भी कुछ काम थे जिसकी वजह से लेट हो गया, और मैं भी थोड़ा सा लेट उठा जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी सब लोग रेडी हैं, सब लोग एज एन मैं, उमंग और मर्सी रेडी है। गाड़ी निकल चुकी है, गाड़ी के निकलने की आवाज़ आ रही है अभी मुझे। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। मर्सी भी रेडी है बहुत देर से, तिवारी भी रेडी हो चुका है, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ। कोई ज़्यादा रेडी नहीं हुए हैं, घर के ही उसमें जा रहे हैं, क्योंकि जब घर जा रहे हैं तो घर के ही एक तरीके से उसमें रहेंगे, जूता वूता नहीं पहन रहे यार। तो अभी हम लोग चलते हैं। आज का दिन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मुंबई में बाहर जाने से। भाई मुंबई में बाहर जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे लिए अचीवमेंट की बात है, क्योंकि भाई हम लोग कहीं निकलते नहीं हैं, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं तो मज़ा आएगा। उमंग का घर मैंने आज तक नहीं देखा है, तो आज पहली बार जब से मैं मुंबई में आया हूँ, या एक तरीके से कहो जब से मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं कभी उमंग के घर नहीं गया। टुडे विल बी द फर्स्ट डे। और 1-2 काम वापस रात वापसी में करते हुए हम लोगों को वापस आना है। रात में जल्दी आने का कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रीम भी कर पाए। तो लेट्स सी कैसे रहता है। अभी हम लोग चलते हैं और उमंग के घर अंकल आंटी से मिलने, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अलॉन्ग विद तिवारी, जो पतले होने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, हो जाएंगे। एंड मर्सी जो आजकल करंट खा रहे हैं, वो बॉडी शॉट ही दिखाई जा रही है। और तिवारी थोड़ा सा गियर के पास जो है, हाँ ठीक है ठीक है। और क्या तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अगर आया तेरा कान तोड़ दे। आज हम लोगों ने गाइस पूरे मुंबई को चकमा दे दिया। आज हम लोग बाहर निकले हैं। हम लोगों ने चकमा दे दिया मुंबई से। सबको गया था लेकिन सब बिजी हो गए थे, क्या करें। किस किस को बोला गया था? सभी को तो बोला था, कौन कौन आ रहा है। सब बोगस लोग है साला, पूरा दिन वही करते रहते हैं। किसी दिन जाने का होता है, उस दिन भी वही करते रहते हैं। Not good people, बोगस, बोरिंग। तो अभी हम लोग निकले हुए। तेरा घर कौन से एरिया में? सैंटा क्रूज। ओह सैंटा क्रूज, सैंटा क्रूज तो एक फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था यार, है ना मर्सी? तुझे याद है क्या? मुझे याद आ रहा है। खैर, तो अभी हम लोग सैंटा क्रूज जा रहे हैं। एंड मैंने ये सुना है कि वो बिल्कुल अल्लम पार है, और कितना अल्लम पार है ये नहीं पता, एयरपोर्ट के आसपास है शायद कहीं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे के अंदर। अच्छा हाँ। अबे मुझे न्यू ईयर फील ही नहीं हो रहा है यार। तुम्हें हो रहा है क्या भाई? नहीं भाई, इसको भी नहीं हो रहा। नहीं, इसको भी नहीं। न्यू ईयर लोग फील कैसे करते हैं यार? मतलब जो एंथुजियाज्म होता है, मतलब 2020 की जगह बस एक डिजिट चेंज हुआ है, बस एक डिजिट। मतलब डिजिट तो बहुत सारे चेंज हुए, जनवरी लग गया, 1 लग गया, 2020 में भी एक 1 लग गया। लेकिन कुछ अलग ही नहीं हो रहा है यार, वही सब है यार, पता नहीं कैसी चीज़ें बदलेंगी। खैर आई होप ये लॉकडाउन यार, मुंबई में रह के यार घूमने का दिल करता है यार, लेकिन साला ये जब से गेमिंग हाउस में आए, जब से सिर्फ लॉकडाउन ही देखा है साला। 1 मार्च को आए थे और 21 मार्च से लॉकडाउन ही लगा हुआ है, कभी चीज़ें सुकून की हुई नहीं है। हालाँकि सब घूम रहे हैं, देख लो भाई। हेलो लॉकडाउन, हेलो। बहुत खराब हालात। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस फाइनली हम लोग सालों के बाद जो है आ चुके हैं सांता क्रूज हैं। फिर से एक और बार तुलसी जी उमंग के घर पे हम लोग जा रहे हैं। इतनी देर में तो मर्सी का ही कहना है, जितनी देर में हम यहाँ पे आए उतनी देर में हम लोग जो है लोनावला पहुँच जाते हैं। हालात देख लो किसकी है भाई, ये नंबर देख लो हैं, क्या है ये 2790 तुम्हारी है क्या? हालात देख लो भाई, लेट्स गो कोचिंग की डाल रखा है स्पीकर पे। देखो उमंग, मैंने कुछ खाया नहीं है, सब मिलेगा। अगर मेरे को घूम तेल पाल नहीं मिला ना खाने को, क्या नहीं सारा आ मिलता है, ठेपला फाफड़ा है। ये क्या ही होता है? तुम लोग नाम भी अपना गुजराता रख लेते हो ना, सोचा ही हेलो हेलो। आओ चलो आंटी, नमस्ते आंटी। बहुत जबरदस्त भूख लगी मुझे, भूख लगी है। वेरी गुड, चलो अच्छा लगता है ये सुनने को। हाँ। मुझे उमंग बिना कुछ खिलाए ले आया। अच्छा हाँ। पूछा भी नहीं मुझसे कि कुछ खाएगा नहीं खाएगा। मेहमान सर्व करो, ले साले लेना है तो भूखा तू है, मैं नहीं हूँ। ये क्या बात हुआ? ठीक है आदि गाइस एंड कर दो, आदि एंड हो जाए, आदि ना एंड कर दो गाइस, फट से एंड कर दो गाइस, बिना सोचे समझे एंड कर दो। एंड आदि करेगा। मेरे को नहीं पता इस चीज़ का क्यों इतना क्रेज है मुंबई में, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो होना चाहिए। दिल्ली में नॉनवेज फेमस है, कुछ मतलब है वो नॉनवेज सब फेमस होने के लिए है वो चीज़। तो ये फेमस है क्या है? फेमस है वड़ा पाव। इंडियन बर्गर, यू नो सस्ता जुगाड़ है। हेलो, इंडियन बर्गर है ये, मुंबई बर्गर। गोलियां भी यही आते हैं। सुनो, अभी हम खा के आया था, कल रात वाला खाना। हाँ नहीं, अभी 10 बजे सोया, जैसे आज अभी 3 बजे उठा, 5 घंटा ही तो सोया सिर्फ। अब देखना कल फिर से 10 बजे करीब नींद आएगी। तो तुम्हारा अभी लेटा रहता हो बे, कल तुम्हारा वाला दवाई दो इसको, जो डॉक्टर दिया बोलता है पीता है आधे घंटे डेड। ऐसे दवाई लिया, ऐसा गेम खेलते रहता, फोन चालू रख के सो जाता। मैं बोलता मर्सी फोन ब्लॉक करके सो, तब उठता लॉक करता सो जाता था। नहीं सही टाइम पे नींद आ जाए बस, मैं 4-5 बजे लेटता हूँ ना, बस सो जाऊँ, 12 बजे उठता हूँ, बस ये चाहता हूँ। नींद आता है वो दवाई एक है, इसको तो आधी लेने बोला था, आधी में ही सो जाता था, तो डेड हो गया। गाइस कल बड़े मियाँ जा रहे हैं फाइनली, बड़े मियाँ इज फाइनली ऑन। हाँ शाम तक फ्री हो जाओ, ये टाइम तक रेगा को भी बोल दूंगा, रेगा को भी 6 बजे तक फ्री हो जाओ। 7 बजे निकलेंगे, 8 बजे पहुँचेंगे, 9-10 बजे तक खाएंगे पियेंगे, वापस कल 11-12 को रिटर्न हो। गाइस 2 घंटा खाएगा, मतलब एक टाइम लेके चल रहे हैं, रफ टाइम। कौन-कौन गया है अभी तक? मैं गया, गोल्डी भाई, रेगा भी गया था। हाँ सब गए, मैं नहीं गया। टॉप कंटेंडर ही नहीं गया बड़े मियाँ, और नाम भी सलमान मियाँ। सलमान मियाँ वांट्स टू मीट बड़े मियाँ, है ना? हाँ आई वांट टू गो बड़े मियाँ। अगर नहीं गए तो एंड पक्का है किसी का, मेरे कहने पे बिल्कुल छू एंड। हाँ एक ले जाओ पक्का, तो हमारे लिए यहाँ पे ब्रेड एंड ऑमलेट आया है, पेट खराब हो जाएगा क्योंकि मेरे को बड़ा पाव जमा नहीं, तो आंटी ने मेरे लिए ऑमलेट और ब्रेड बनाया है। चलो एंटी कैविटी उसमें दांत दुखते रहते हैं ना। अच्छा दांत दुखते हैं क्या? तो डेंटिस्ट भाई क्या हुआ? मैंने बोला तोड़ मत देना उसके दांत, दांत तोड़ भी देंगे। मैं बोला दांत ठीक कर दूंगा। हाँ इस बार पूरी पलटन के साथ। और ऐसे नहीं, आप जरा एक दिन पहले बोलो तो खाना है ना बनाया। बन गया, पेट भर गया। पेट भरना चाहिए चाहे किसी चीज से भर जाए। चलिए आंटी मैं आ रही हूँ, काम है। उन्हें दिमाग खोल लिया। रात हो गया, चश्मा पहनने का टाइम है क्योंकि रात में चश्मे के साथ हमको ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखता है ताकि चांद को नजर ना लग जाए। हाँ बहुत चांद निकलते हैं यहाँ पे। आज तक छत पे बैठ के चांद नहीं देखा मैंने। गाइस देखो उमंग के कॉलोनी में एक 2 डोर वाली जैन है। माँ कसम भी मुझे लगा कि ये करवाया गया है। भैंस की आँख मुझे बता रहा है कि ये ऐसी आई थी। आगे बढ़ा, ये 80 गाड़ियाँ आई थी। एक दरवाज़ा इधर है और एक दरवाज़ा उधर है, पीछे वाला दरवाज़ा ही नहीं है। ये मतलब 2 सीटर होगा, 2 सीटर है, 4 सीटर। वो साइड के सीट को बेंड करके तुम अंदर जा सकते हो। अच्छा वैसा सेक्सी लग रहा है। इसका सीसी भी ज़्यादा नॉर्मल वाली जैन से। हमारे अलीगढ़ में हमारे पास चार दरवाजे वाला है। अच्छा है, हमने पैसा दिया है, 4 दरवाज़ा लेंगे। 2 दरवाजे में काम नहीं चलता हमारा, 4 दरवाजे में से घुसेंगे हम लोग। हैं इसका सीसी कम है इस वाले का है? उसका 4 दरवाजे वाले का कम है। ये तो गलत बात है, दरवाजा दे दिया तो सीसी ले लिया। गजब बच्चे होती है भाई। मर्सी और उसके गाने। मैं अभी वीडियो देख रहा था, वीडियो बंद करा, मैंने कहा देखा ये क्या चल रहा है भाई। रहे क्या बोलना, फिर बोल रहे। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं। अरे दिख गए एक्शन में। अरे क्या बात है, इसका नहीं प्राइवेसी बंद कर दीजिए। मम्मा तुम भी सो। अरे अरे 1.8 मत है क्या? 1.8 है क्या? है अबे कभी वो मेरे को मालूम भी नहीं। अरे यार ये सब चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ों का। यार तो पता है मेरा कितना हुआ है? कितना? 922। अरे ले लो 923 हो गया। ऐसा ना पता भी नहीं चला। फिर आ रहा है, आया रख के आ रहा हूँ। सो गाइज अभी 11 बज रहा है रात का और अभी तक मैं, नमन और रेगा यहीं पर लेटे हुए थे। रेगा और नमन तो उठ गए थे और मैं यहाँ पे था अभी। वो लोग शायद अभी 10-15 मिनट पहले उठ गए यहाँ से। सो द थिंग इज़ कि मैं अभी स्ट्रीम करना चाहता था, मेरे अंदर बहुत चाहत है अभी स्ट्रीम करने की, लेकिन मेरी इस जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड आई गेस वो इस वजह से कि मैंने प्रॉपर स्लीप 1-2 दिन से नहीं लिया है। 2 दिन से यही हो रहा है कि मैं हमेशा 4-5 बजे लेटता हूँ सोने के लिए एंड 10 बजे तक 9 बजे तक सुबह मुझे नींद नहीं आती है। एंड देन मैं फिर 2-3 बजे मेरी आँख खुल जाती है एंड जब खुलती है तो मैं उठ जाता हूँ ज़बरदस्ती, जस्ट बिकॉज़ कि फिर बहुत ही ऑफ टाइम हो जाएगा उठते हुए। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात जो है मैं ऑफ़ ले लूँ स्ट्रीम से एंड कल मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सेट कर लूँ ताकि रात में मैं अपनी GTA की स्ट्रीम स्टार्ट कर पाऊँ। एंड आई रियली वांट टू एन्जॉय दैट गेम इन द लेट नाइट स्ट्रीम्स। मैं चाहता हूँ 12 बजे मैं लौट के आऊँ एंड फॉर अ लॉन्गर रन आई स्टे स्ट्रीम्स पे 12 बजे रात के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आई थिंक आई विल कॉल इट ऑफ। यहाँ बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है यार, ट्रैफिक में ही जो है 1.5-2 घंटा जाना एंड फिर 1.5-2 घंटा आना, वही जो है बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। एंड इवन दो वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि नमन की मम्मी और उमंग के घर वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं, सो उनसे न्यू ईयर पे मिलना इट वाज necessary thing. So I guess I am calling the day off right now and मैं अभी सोने के लिए लेटूँगा and मिलते हैं आप लोगों से कल। I don't know कल का क्या सीन होने वाला है and क्या शेड्यूल होने वाला है, शेड्यूल एज इन कि क्या क्या चीज़ें होंगी, घर पे ही रहेंगे या कल कहीं बाहर जाएंगे। I guess मुझे अपने काम से जो है उमंग के साथ एक जगह बाहर जाना है फॉर अ स्मॉल वीडियो शूट, जो वीडियो आप जब आएगी तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं किस वीडियो शूट की बात कर रहा हूँ। सो आई विल सी एंड देखते हैं कल क्या होता है। इधर मैं सुबह ही चला जाऊँगा काम, सुबह ही स्ट्रीम कर लूँगा एंड देन उसके बाद फिर निकलूँगा शूट के लिए, या देखेंगे जिस तरीके से चीज़ें शेप अप करती हैं। सो अभी के लिए साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग फॉर एनी रीज़न। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, द फर्स्ट व्लॉग ऑफ द एक्चुअल फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2021 डे व्लॉग, तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड लेट्स टेक द आर्मी टू 1 मिलियन वेरी सून। वी आर एक्चुअली राइट नाउ एट 923 और 924 के, आई डोंट इवन नो, लेकिन लेट्स सी। प्यार देते रहिएगा एंड हर दिन मैं अपना कैमरा या अपना पीसी, अपना दिमाग दौड़ाऊँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनिंग यू ऑल एज ऑलवेज। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू एज ऑलवेज। सो लाइक ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल एज ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मिलते हैं गाइस अगले वाले में। टिल देन टेक केयर गाइस।